दोस्तों स्वागत है आपका नए यूट्यूब में, जहां पे हम आपको बताएंगे फुल गाइड टू गो टू अटल सेतु इन मुंबई। अब ये जो नया जो ब्रिज क्रिएट किया है वो मुंबई का जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए किया है, जहां पे साउथ मुंबई और दादर और वो पूरे जो एरिया है वहां का जो ट्रैफिक है वो पूरा अटल सेतु से जाएगा। तो अगर आप मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहे हो, पुणे से आ रहे हो, तो आपको NH 48 है वहां से टर्न लेना है, और वहां से टर्न लेके आगे से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अटल सेतु का नजारा है वो कैसा है और वो कहां से कहां तक जाता है। तो दोस्तों एक्सप्रेसवेज ऑफ इंडिया के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पे हम एक्सप्लोर करेंगे अटल सेतु। ये 33 किलोमीटर का अटल सेतु जो जाना जाता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, और ये बनाया हुआ है मुंबई सी के ऊपर जो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ता है। तो दोस्तों अभी हमारी जो एंट्री है वो हो रही है अटल सेतु जो ब्रिज जो बनाया हुआ है उसके ऊपर, और भाई साहब मतलब लाइक ये जबरदस्त वाला चीज है जो हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। और रोड का जो क्वालिटी है वो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख ही रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है गुलाबा 33 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और आई थिंक ये सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो बनाया हुआ है, केबल ब्रिज बनाया हुआ है, और ऑलमोस्ट 10 लेन का हाईवे जो है वो हाईवे टाइप बना हुआ है। और यहाँ पे इस टाइम पे मतलब लाइक सरप्राइजिंग बात यह है कि कोई भी नहीं है, मतलब लाइक कोई भी यहाँ पे ये पूरे जो जो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो नावा शिवा अटल सेतु जो है वहाँ पे अभी कोई भी नहीं है पूरे रोड में। और जस्ट लेट सी कैसा एक्सपीरियंस जो है वो रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने एंट्री करी है ये एंट्री है ₹250 की, विच इज हाई प्राइस, बट आपको वो जो शांति मिलती है वो बहुत ही जबरदस्त है कि जो यहाँ से डायरेक्टली आप JNPT से डायरेक्टली सी जो है उसको क्रॉस करके आप कोलाबा और दादर वाला जो एरिया है, साउथ बॉम्बे वाला जो एरिया है मोस्टली वहां पे आप जा सकते हो। और जो रोड का क्वालिटी और जो अटल सेतु का जो क्वालिटी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, जो आप देख सकते हो, और सही में जैसे गाना बज रहा है उस तरीके से यहाँ पे जबरदस्त तरीके के शांति का माहौल है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमने ऑफिशियली जो सी है उसमें एंट्री कर दिया है, और वो आप जो पूरा सी का जो नजारा है वो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा। सी का पूरा नजारा आप देख सकते हो, जबरदस्त तरीके का जो अटल सेतु है वो बनाया हुआ है। और दोस्तों मतलब लाइक पता नहीं यहाँ पे खड़े रहने की तो आई डोंट थिंक तो परमिशन है, लेकिन एक बार खड़ा रह के थोड़ा एक पिक्चर तो लेंगे, जो मतलब बहुत ही जो नजारा जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अपने मतलब लाइक ट्राई करेंगे कि एक अगर पिक्चर ले सके अटल सेतु का तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगेगा। ये है कार हमारी, ये है अटल सेतु, आप अटल सेतु का जो हाईवे है वो देख सकते हो, और ये नजारा देखो कितना जबरदस्त तरीके का लग रहा है। पूरा ब्रिज आप देख सकते हो अच्छी तरीके से जूम करके दिखा रहा हूँ। वाओ बादल भी आ गए हैं ब्रिज के ऊपर, बहुत जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है जो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, वो
यहाँ पे एलिवेटेड हाईवे बनाया हुआ है जो बेसिकली इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है और वर्ल्ड का 12th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज के अंदर इसका नाम आता है, जो सेवरी साउथ मुंबई से शुरू होता है और उड़ान के नवी मुंबई तक ये जाता है। तो दोस्तों अभी हमारी एंट्री हो रही है साउथ मुंबई में, जो कि आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग से पता चल ही गया होगा और ज़बरदस्त वाला हाईवे है। जिस तरीके का इसका बिल्डअप किया हुआ है और जिस तरीके से उसको बनाया हुआ है, उसके हिसाब से ये जो टोल है वो भी वर्थ इट है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही हेल्प करेगा फ्रॉम गोइंग टू मुंबई से जो नवी मुंबई जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कम्यूटर्स को। तो इसी के साथ ये जो जबरदस्त वाला हाईवे है उसको समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।